सो गाइज आई एम बैक विथ नाइट क्रिकेट क्यू एन ए एंड आज भी आप सभी ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं जिसमें से मैंने 10 क्वेश्चंस को पिक किया है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, लाइक क्या यूजी चहल आईपीएल 2022 के ऑक्शन में जाएंगे और अगर जाएंगे तो कौन सी टीमों को खरीद सकती है। इंग्लैंड प्लेयर्स अगर रिमेनिंग मैचेस में अवेलेबल नहीं होंगे देन कौन सी टीम को सबसे ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। बेन स्टोक्स को नेक्स्ट सीजन के ऑक्शन में कौन सी टीम खरीद सकती है। अगर राजस्थान रिवैम्प करेगा तो क्या जो रूट नेक्स्ट सीजन के ऑक्शन में अपना नाम देंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस है एंड बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है जिसका आंसर मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो ये वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, तो आप क्या कीजिए, बस शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए। सो गाइज लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन जो कि पूछा है नाजनीन काजिया ने। पहला क्वेश्चन है कि अगर इंग्लैंड के प्लेयर्स आईपीएल 2021 के रिमेनिंग मैचेस मिस करते हैं तो कौन सी टीम को सबसे ज़्यादा एडवांटेज होगा। अब देखो एडवांटेज का तो नहीं पता लेकिन डिसएडवांटेज राजस्थान रॉयल्स एंड चेन्नई सुपर किंग्स को होगा। एडवांटेज नो डाउट मुंबई इंडियंस को होगा, बेंगलोर को होगा एंड दिल्ली कैपिटल्स के भी कुछ प्लेयर्स हैं इंग्लैंड के, लाइक वोक्स हो गए, करण हो गए, तो वो भी जाएंगे लेकिन उतना ज़्यादा घाटा नहीं होगा बिकॉज वोक्स की जगह आप नॉर्थजे को वापस लेके आ सकते हो। लेकिन सबसे ज़्यादा घाटा चेन्नई एंड राजस्थान रॉयल्स को होगा। देन सेकेंड क्वेश्चन है आरसीबी कैन टारगेट विच बॉलर्स। सो मेरे हिसाब से मोहम्मद सिराज को रिटेन करना चाहिए वापस से, और अगर हर्षल कर रहे हैं अच्छा परफॉर्मेंस तो आप उनको भी रिटेन कर सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट सीजन में अगर पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, रबाडा ये सब ऑक्शन में जाते हैं तो आप इनमें से किसी एक को खरीद सकते हो। इसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि पूछा है ऑलराउंडर काव्यांश ने, विच टीम विल टारगेट युजवेंद्र चहल इन 2022 ऑक्शन। देखो नो डाउट आरसीबी को रिलीज करना पड़ेगा बिकॉज आरसीबी मैक्सिमम 5 प्लेयर्स को रिटेन कर सकता है जिसमें यूजी का नाम नहीं आएगा बिकॉज आरसीबी के पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो यूजी प्रोबेबली रिटेन नहीं होंगे। अगर ऑक्शन में जाते हैं तो नो डाउट चेन्नई उनके लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होगा, इंटरेस्टेड होगा, और भी बहुत सारी टीम्स होगी लेकिन क्योंकि चेपॉक चेन्नई का ग्राउंड है तो चेन्नई सबसे ज़्यादा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो है वो पूछा यहाँ पे आकाश रसाइली ने, क्या चेन्नई सुपर किंग संदीप लाने को पिक करेगा एंड इंग्लैंड में आईपीएल होगा तो इंग्लिश प्लेयर खेलेंगे, प्लीज पिक माय क्वेश्चन। इंग्लैंड में आईपीएल होगा तो डिपेंड है, अगर वो जो इंग्लैंड की बोर्ड है अलाउ करती है तो खेलेंगे, अदरवाइज नहीं खेलेंगे, लेट्स सी क्या होता है। एंड बात रही संदीप लामिचाने की, तो संदीप लामिचाने इमरान ताहिर के अच्छे रिप्लेसमेंट हो सकते हैं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुलदीप यादव को टारगेट करेगा चेन्नई सुपर किंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मोहम्मद अनब एम का, विच टीम इज योर फेवरेट चेन्नई सुपर किंग्स। अवेश खान माइट गेट रिलीज फ्रॉम दिल्ली कैपिटल्स, विच टीम कैन टारगेट दिस पेसर। मेरे हिसाब से दिल्ली कैपिटल्स वापस आरटीएम यूज़ करके टीम में लाने का ट्राई करेगा, अदरवाइज आरसीबी टारगेट कर सकता है एंड सारी टीम्स टारगेट करेंगी एक्चुअली में। तीसरा क्वेश्चन है इफ सनराइजर्स हैदराबाद रिवैम्प्स राशिद खान विल आल्सो रिलीज बाय एसआरएच, अकॉर्डिंग टू यू विच टीम कैन टारगेट। मेरे को लगता है कि अगर वो रिलीज होते हैं तो हैदराबाद उन पर आरटीएम यूज़ करेगा अगर आरटीएम का ऑप्शन होता है तो। राशिद खान एज अ गुड चॉइस फॉर कैप्टन इन एसआरएच, आई डोंट थिंक पेसर एंड स्पिनर्स दैट आरसीबी कैन टारगेट। यूजी को रिटेन करना चाहिए, मोहम्मद सिराज को वापस से लेना चाहिए, जैसा मैंने आपको अभी बताया आप रबाडा पैट कमिंसन स्टार्क में से किसी एक को टारगेट कर सकते हो। इसके अलावा इनका आखिरी जो क्वेश्चन है, इफ इंग्लैंड प्लेयर्स आर नॉट प्लेइंग दिस सीजन व्हाट विल बी पॉसिबल प्लेइंग 11 ऑफ सीएसके। पूरा सेम नहीं, शार्दुल की जगह मैं चाहूंगा बैरनडॉर्फ आ जाए और जो दो इंग्लैंड के प्लेयर्स गए हैं मोइन अली उनकी जगह पे कृष्णप्पा गौतम एंड रॉबिन उथप्पा आ जाए सैम करन की जगह पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मीनू रानी का, भाई एसआरएच का अगला कैप्टन कौन होगा, प्लीज पिक माई क्वेश्चन। अगर हैदराबाद रिवैम्प नहीं करता है तो नो डाउट केन विलियमसन ही बने रहेंगे कप्तान। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है महजाबीन माही का, क्या साकिब अल हसन केकेआर के नेक्स्ट कैप्टन हो सकते हैं। अगर आप बांग्लादेश से हो तो सॉरी बट आई डोंट थिंक। दूसरा क्वेश्चन है इफ आंद्रे रसल एंड पैट कमिंस आर इंजर्ड हु विल बी द रिप्लेसमेंट। व्हाट, ये अभी मैं कैसे बता सकता हूँ यार। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा है हरीश एसआर ने, ब्रो विल न्यूजीलैंड प्लेयर्स विल पार्ट ऑफ रिमेनिंग आईपीएल, देयर इज अ र्यूमर दैट दे विल नॉट प्ले। हाँ उनके मैचेस हैं इंग्लैंड से बट अगर इंग्लैंड के प्लेयर्स खेलेंगे, ऐसा अगर होता है कि आईपीएल के रिमेनिंग मैचेस इंग्लैंड में होते हैं तो शायद जो इंग्लैंड की बोर्ड है वो जो पूरा इवेंट है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उसको कैंसिल कर दे एंड अपने इंग्लिश प्लेयर्स को अलाउ कर दे, तो न्यूजीलैंड प्लेयर्स भी आपको उधर देखने को मिलेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सुमित गायकवाड़ का, ब्रो क्या बेन स्टोक्स रिलीज होंगे तो क्या चेन्नई सुपर किंग्स टारगेट करेगा रिप्लेसमेंट ऑफ मोइन अली।
वो तो नेक्स्ट सीजन में होगा ना, नेक्स्ट सीजन में तो मोइन अली भी अवेलेबल होंगे, तो रिप्लेसमेंट ऐसा कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन हाँ, टारगेट तो चेन्नई कर सकता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर राजस्थान रिवैम्प भी करता है तो वो आरटीएम यूज़ कर लेगा। अगर ऑप्शन होता है तो राजस्थान आरटीएम यूज़ करेगा बेन स्टोक्स पे, बिकॉज बेन स्टोक्स जैसा प्लेयर कौन छोड़ना चाहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आयुष भारद्वाज का, भाई कौन राहुल चहर के पीछे जाएगा प्लीज़। तो चेन्नई आवेल से और मुंबई भी, नो डाउट मुंबई आरटीएम यूज़ कर सकता है अगर मुंबई को मौका मिला तो। अगर मुंबई के पास हुआ तो अवेलेबल, बिकॉज मुंबई पोलार्ड पे भी करेगा और भी कुछ प्लेस लाइक बोल्ट पे भी कर सकता है, तो मुश्किल होगा राहुल चहर को रिटेन करना। लेकिन मुंबई वापस से टारगेट कर सकता है, चेन्नई भी कर सकता है, बिकॉज मैचेस आपको चेपॉक में खेलने हैं, वहाँ पर राहुल चहर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव साबित हो सकते हैं। इस साल भी उन्होंने दिखाया चेपॉक में वो करके। द नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे सीला तालापत्रा ने, क्या जो रूट आईपीएल 2020 में खेलेंगे? इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना दिया है आज ही, आप उसको चेक कर सकते हो, नीचे कमेंट सेक्शन में मैं लिंक पिन कर दूंगा। दूसरा क्वेश्चन तो मेरे को समझ में नहीं आया, अगर क्वेश्चन ये है कि अगर संजू सैमसन के बाद कैप्टन कौन बनेगा, तो संजू सैमसन के बाद अभी देखे तो बटलर को आप बना सकते हो अभी टीम का देखे तो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि संजू सैमसन को राजस्थान रिलीज़ करेगा, उनको रिटेन करने वाला ऐसा मुझे लगता है। तो गाइस ये था आज का हमारा नाइट क्रिकेट Q&A, एंड कल के नाइट क्रिकेट Q&A के लिए आपके जो भी क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हो नीछे कॉमेंट सेक्शन में, आई विल ट्राई टू पिक। अभी के लिए सोडम बस इतना ही, तो अभी के लिए बस इतना, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चलो कमेंट्स में लिखकर बताइए कैसे लगे आपको, चलिए लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को बजाइए ताकि मैं जैसे अगली वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और आपको कुछ नहीं करना, बस अगली वीडियो के लिए वेट करना है।